आज अपन क्रिएट करणार आहे ओ माय बॅड अभी एक मराठी लेक्चर लेके आया हूं तो दैट्स व्हाई थोड़ा मराठी में चला गया. आज हम क्रिएट करने वाले हैं गाइस ट्रांसफॉर्म बॉक्स पॉपअप एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, जिसके थ्रू आप टेक्स्ट एनिमेशन जनरेट पॉपअप टेक्स्ट एनिमेशन जनरेट कर सकते हो, लोगो एनिमेशन जनरेट कर सकते हो पॉपअप के पॉपअप स्टाइल में. उसके अलावा आप ट्रांजिशंस भी जनरेट कर सकते हो अपने वीडियोस अपने प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए. सो बहुत ही यूजफुल है ये ट्यूटोरियल. नो डाउट थोड़ा बेसिक रहेगा बट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा. इसके अंदर टाइमिंग को प्रॉपर तरीके से सेट करना, मोशन को प्रॉपर तरीके से सेट करना और जो आउटपुट निकलेगा वो बहुत ही अमेजिंग होगा गाइस, जैसे भी आप स्क्रीन के ऊपर देखे होंगे. सो शुरू करते हैं. सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन में अभी देख रहे हो गाइस, मेरे पास यहाँ पे मेरे ग्राफिक्स रेडी है. तो सबसे पहला मेरा बैकग्राउंड है मेरे पास, उसके बाद मेरे पास एक स्ट्रोक वाला टेक्स्ट लेयर है, फिर उसके बाद मेरे पास एक पिंकिश कलर का टेक्स्ट लेयर है जो फील के साथ है, और तीसरा मेरे पास यहाँ पे येलोइश शेड वाला मेरा टेक्स्ट लेयर है यहाँ पे, और उसके बाद मेरे पास मेरा ट्रांसफॉर्म बॉक्स है. तो अगर इन सबको हटा दूं तो आप देखोगे मेरा ट्रांसफॉर्म बॉक्स इस हिसाब से मैंने ग्राफिक्स रेडी किया हुआ है. यहाँ पे अगर कंपोजिशन में दाखे तो ये शेप मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में रेडी किया. आप अगर इलस्ट्रेटर यूज कर रहे हो फोटोशॉप यूज कर रहे हो तो आप वहां पे भी इसको रेडी कर सकते हो गाइज, और फिर इसको यहाँ पे लेके आ सकते हो. ठीक है. एंड उसके बाद जो मेरे पास लेयर है तो वो है मेरा एरो लेयर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो मैंने यहाँ पे एरो क्रिएट किया हो, वो भी हमने आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ही एरो क्रिएट किया है. दो शेप को यूज करते हुए मैंने पेन टूल यूज नहीं किया है. मैंने एक क्या किया हुआ है, रेक्टेंगल शेप जनरेट किया, मतलब एक सॉरी जो हमारा कहते हैं ना पॉलिएस्टर शेप, तो उसमें से मैंने ट्रायंगल जनरेट किया और उसके साथ मैंने रेक्टेंगल जनरेट किया और उसके बाद मर्ज कर दिया है दोनों को. सो यहाँ से मर्ज पाथ यूज करते हुए दोनों को मर्ज कर दिया है. सो दैट क्रिएटेड माय ट्रायंगल ओवर हियर. तो ये बहुत ही बेसिक है बट चीज ऐसा है कि एनिमेशन बहुत ब्यूटीफुल बनने वाला है. तो पहला काम मुझे क्या करना है, हम क्या करेंगे इनमें से किसी भी एक टेक्स्ट, तो जो मेरा स्ट्रोक वाला टेक्स्ट है उसको मैं सबसे पहले यहाँ पे लेके चला जाता हूँ मेरे एरो के पास यहाँ पे. अब मुझे करना क्या है कि मेरे स्ट्रोक वाले टेक्स्ट लेयर को मैं रिवील करता हूँ और उसको पेरेंट कर देता हूँ पहले तो मेरे ट्रांसफॉर्म बॉक्स के साथ. तो मेरा बेसिक मैंने रेडी कर लिया जो पहला एनिमेशन मेरा स्टार्ट होने वाला है उसके लिए. अब जो सबसे पहले एनिमेट करना है वो है हमारा एरो. सबसे पहले हमें एरो को एनिमेट करना है, क्योंकि जब भी आप कुछ ड्रॉ करते हो, जैसे अगर आफ्टर इफेक्ट में यहाँ से मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ तो आपका कर्सर ही ड्रॉ होता है और उसके बाद आपका शेप ड्रॉ होता है, ठीक है ना, उसके साथ साथ. तो बिल्कुल पहले हमारा कर्सर एनिमेट होगा और उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा हमारा एरो उसके साथ एनिमेट करना है, मतलब बाकी के लेयर्स हमें कर्सर के साथ हमारे एनिमेट करने एरो के साथ. तो अब मुझे क्या करना है, पहला काम एरो का मैं पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और उसको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे की दे रहा हूँ. अब इसका पोजीशन सबसे पहले मैं सेट करने वाला हूँ कुछ इस जगह पे. मैं यहाँ पे हल्का सा थोड़ा नीचे लूंगा इसको, यहाँ पे मैं इसको सेट कर रहा हूँ, थोड़ा ऊपर ले लेंगे इतना नीचे भी नहीं रखना है. तो मैं यहाँ से इसका पोजीशन स्टार्ट करने वाला हूँ, 10 फ्रेम में आगे जा रहा हूँ और इसका पोजीशन में क्या करूंगा यहाँ पे कुछ ऊपर की तरफ थोड़ा क्रॉस में जा रहा हूँ इसमें यहाँ पे, ठीक है. और इस टेंजेंट को मैं थोड़ा हल्का सा शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे. अगर आपको ये टेंजेंट ना दिख रहे तो आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, आपको पेन टूल को चूज करना है और आपको क्या करना है यहाँ पे क्लिक कर देना है तो ये टेंजेंट आपके सामने विजिबल हो जाएगा. देखा, एक बार क्लिक करोगे गायब हो जाएगा, फिर से क्लिक करोगे विजिबल हो जाएगा. तो ये आप इस हिसाब से कुछ एडजस्ट कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पे इतना एनिमेशन यहाँ पे इसका जनरेट कर दिया है. उसके बाद मैं जा रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5 फ्रेम आगे जा रहा हूँ और फिर से हमारे एरो को सिलेक्ट करेंगे और मैं क्या कर रहा हूँ मूव टूल सिलेक्ट करता हूँ और इसका पोजीशन यहाँ पे कुछ नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ, ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे इतना यहाँ पे मेरे को लेके आना है. तो ये यहाँ पे भी आ चुका है. उसके बाद मैं यहाँ से पेज डाउन और पेज डाउन 20 फ्रेम्स आगे जा रहा हूँ और इसका पोजीशन मैं शिफ्ट करने वाला हूँ ऑलमोस्ट यहाँ से कर लो या डायरेक्टली हम यहीं से शिफ्ट कर लेते हैं. तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ कुछ इस जगह पे. तो मैंने यहाँ पे इसको साइड में शिफ्ट कर देना है. वापस मैं जी प्रेस करके मेरा पेन टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक क्लिक आप यहाँ पे कर दो तो थोड़ा क्या है ये स्ट्रेट लाइन बना, उसकी जगह पे थोड़ा कर्व चाहिए हमें, ठीक है. यहाँ पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये क्या बन गया, कुछ इस हिसाब से रेडी हो गया है. तो मैं इसको भी क्या कर रहा हूँ हल्का सा कुछ इस हिसाब से ले रहा हूँ और इस पॉइंट को कुछ हम हल्का सा इस हिसाब से सेट कर देंगे तो एक फ्लोइंग पाथ जाना चाहिए. तो ये यहाँ पे रेडी हो चुका है. अब क्या करेंगे, इन सारी लिनियर की इसको सिलेक्ट करते हैं और F9 प्रेस करके इजी इसमें कन्वर्ट करते हैं और चलते हैं हम अब ग्राफ एडिटर के अंदर. अब यहाँ पे ग्राफ को एडिट करना जरूरी है. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ इस हिसाब से ग्राफ को कर रहा हूँ और ये वाले ग्राफ को मतलब जब वो सेकंड में नीचे की तरफ आएगा तब कुछ इस हिसाब से एनिमेट होगा और इसको मैं अभी एज इट इज छोड़ रहा हूँ, आगे जाके जरूरत लगी तो चेंज करेंगे. तो होगा क्या, पहले ये कुछ इस हिसाब से ऊपर की तरफ जाएगा,
थोड़ा मेरे को लग रहा है ज्यादा ऊपर हो गया, तो मैं थोड़ा इसको नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ ऑलमोस्ट कुछ इस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ, आप चाहो तो क्रॉस में भी ऐसे ले सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। बट कहते हैं ना हर चीज में परफेक्शन कभी कभी क्या कर देता है, बोर कर देता है चीजों को, थोड़ा बहुत इम्परफेक्शन के साथ जाना चाहिए। सो मैं पॉइंट टू पॉइंट नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा मिडल में जा रहा हूँ, ठीक है। वापस यहाँ पे आएगा नीचे की तरफ एंड देन वो क्या करेगा, यहाँ इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके डन। तो अब क्या करना है, इसके अकॉर्डिंगली हमें हमारे ट्रांसफॉर्म बॉक्स और जो स्ट्रोक टेक्स्ट लेयर है दोनों को एनिमेट करना है। तो हमने स्ट्रोक टेक्स्ट लेयर को ऑलरेडी हमारे ट्रांसफॉर्म बॉक्स के साथ पेरेंट कर दिया है। तो होगा क्या, अगर मैं मेरे ट्रांसफॉर्म बॉक्स पे यहाँ पे जो भी एनिमेशन दूंगा, चाहे स्केल के अंदर हो या पोजिशन के अंदर, वो क्या करेगा, मेरे टेक्स्ट को भी साथ में मूव करेगा, क्योंकि वो पेरेंट है मेरे टेक्स्ट लेयर का। तो ये हो चुका है। अब करना क्या है, यहाँ पे हमारे ट्रांसफॉर्म बॉक्स का स्केल प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं स्केल पे की दे देता हूँ, आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे इस वाली की के ऊपर, यहाँ पे भी मैं की दे देता हूँ, एक और की फ्रेम पे ऊपर आगे चलते हैं, और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, की अभी के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब चले आते हैं जीरो नंबर के फ्रेम के ऊपर, जहां हमारा ट्रांसफॉर्म बॉक्स का स्केल प्रॉपर्टी का पहला की अप्लाइड है। यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको सबसे पहले तो लिंक रखता हूँ, और फिर इसकी वैल्यू क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा, तो स्केल डाउन। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको छोड़ देता हूँ, और थोड़ा इसको क्या करूंगा, साइज बड़ा करेंगे हम लोग, ऑलमोस्ट मेरे कर्सर के टॉप तक, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है वहां तक पहुंचना चाहिए ऑलमोस्ट इस जगह पे। तो अगर ये इतना बड़ा है तो साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए, यहाँ पे छोटा भी होना चाहिए उतना। तो उतने लेवल तक मैं क्या करूंगा, इसको छोटा करूंगा ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत इम्परफेक्शन चलेगा जैसे मैंने पहले भी बात की, ठीक है। तो ये मैंने 85 तक किया है। वापस जब ये यहाँ पे आएगा तो मुझे क्या करना है, थोड़ा और चेंजेस लेके आना है। तो अब क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, ये श्रिंक होगा और साइड में थोड़ा फैलेगा। तो अब क्या करेंगे भाई, हम वाई एक्सिस में इसका साइज थोड़ा क्या करेंगे, छोटा करेंगे। यहाँ पे कुछ इस हिसाब से 82 किया है, तो यहाँ पे इसका कुछ 18 पॉइंट बढ़ना चाहिए। तो मैं ऑलमोस्ट कुछ लेके जा रहा हूँ, इसको ज्यादा नहीं, 115 मतलब 15 पॉइंट हमने इंक्रीज किए यहाँ पे। अब यहां से हम 10 फ्रेम आगे जाएंगे, और 10 फ्रेम आगे जाने के बाद वापस में कुछ चेंजेस करने वाला हूं। तो ये चेंजेस क्या होगा, ये यहाँ पे इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं हल्का सा इंक्रीज करूंगा, ज्यादा नहीं, 107 मैंने यहाँ पे किया है, और यहाँ पे हम कर देते हैं ऑलमोस्ट लाइक 90, ठीक है। तो ये कुछ इस हिसाब से बनेगा, और फिर से मैं 10 फ्रेम की जगह पे 1, 2, 3 टोटल 7 फ्रेम आगे गया हूँ। और यहाँ पे वैल्यू हम क्या कर देंगे, 100 by 100, इसको भी मैं दे देता हूँ 100। तो ठीक है, ये हो गया हमारा एनिमेशन रेडी। अब जैसे मैंने स्केल यहाँ से डाउन किया, आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था सब टू यू वाइज, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, इन सारे किसको भी सिलेक्ट करूंगा, F9 प्रेस करता हूँ, चलते हैं हम ग्राफ एडिटर के अंदर यहाँ पे। अब जैसे हमने वहां का ग्राफ एडिट किया था ना, साइमल्टेनियसली इसको भी उस हिसाब से फोकस आपको देना पड़ेगा, जैसे हमारा एरो का ग्राफ था। तो अगर मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूं, इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी, ठीक है, तो आप देखो सारे के सारे ग्राफ्स क्या हो रहे हैं, आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं सबके। तो हम, मुझे आइडिया है, आपको समझ में नहीं आया तो कंपेयर कर सकते हो सबको एक साथ ओपन करते हुए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, स्टार्टिंग में यहाँ पे इसको इस हिसाब से ड्रैग कर लूंगा। सेम चीज अब इसको भी मुझे सिलेक्ट करना है, मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पीछे की तरफ ड्रैग कर लूंगा। सो गुड इनफ। अब यहाँ पे भी मुझे सेम तरीके से कुछ जाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा यहाँ पे ज्यादा नहीं बट हल्का सा लूंगा, और सेम चीज मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे इसको पकड़ रहा हूँ, और इसको भी क्या करूँ, ज्यादा नहीं हल्का। हमने पहले दो के अंदर फुल्ली स्ट्रेच किया था टेंजेंट को, यहाँ पे हम हल्का सा स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एनिमेशन हमारा एरो का यहाँ तक ही इफेक्ट करने वाला है इस पॉइंट तक। उसके बाद की जो दो है वो उसके सेकेंडरी मोशन मतलब बाउंस मोशन को कंट्रोल करेगा, बाउंस मोशन को ज्यादा इफेक्टिव बनाएगा हमारे टेक्स्ट और ट्रांसफॉर्म बॉक्स के एनिमेशन को, ठीक है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है, अब यहाँ से बाहर निकल के आ जाते हैं। तो ये तो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बट जैसे हमने कहा ना कि अभी इफेक्टिव बनाना है, तो एक छोटी सी चीज का मेरा इश्यू है। वो इश्यू क्या है कि जो मेरा ट्रांसफॉर्म बॉक्स का या एंकर पॉइंट है ना, उसको मुझे सबसे पहले चेक कर लेना है कि वो कहाँ पे है। यस, ये सही जगह पे है। तो आप लोग भी देख लेना कि आपका ट्रांसफॉर्म बॉक्स का एंकर पॉइंट यहाँ बेस में रहे, तभी ये प्रॉपर तरीके से बेटर आउटपुट देगा आपको, क्योंकि हम नीचे से कर्सर को लेके जा रहे हैं, सेंटर में से नहीं। तो अगर आप यहाँ से इसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हो, तो ये यहीं से स्केल अप होना स्टार्ट होना चाहिए, मतलब नीचे की तरफ से, ठीक है, डायरेक्शन हमेशा मेंशन रहेगी, तो ये बेटर हो गया। अब करना क्या है, मुझे बाकी के दो टेक्स्ट को भी क्या करना है, एनिमेट करना है। बहुत सिंपल तरीका है, स्मार्ट वे पे इसको यूज करने वाले हैं हम गाइस। सो अब क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले मुझे मेरा जो पिंक वाला टेक्स्ट है उसको मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बॉक्स के ऊपर लाके रखता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने एरो का नीचे ट्रांसफॉर्म बॉक्स को जो हमने स्केल का एनिमेशन दिया है,
उसकी स्केल की चीज को हमें क्या करना है, कॉपी करना है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। अब चले जाएंगे हम होम मतलब जीरो नंबर की फ्रेम के ऊपर, और हमारा रेट टैक्स वाला जो लेयर है पहले तो उसको विजिबल कर देते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे भाई, इसके ऊपर भी हमें क्या करना है, इसका स्केल प्रॉपर्टी ओपन करना है, यहाँ पे की देना है और कंट्रोल वी करके हमारे बाकी के कीज यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब सेम चीज करना है, मैं मेरा जो रेड येलो टैक्स वाला लेयर है उसको रेड टैक्स के टॉप के ऊपर लेके आ रहा हूँ, उसको भी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे रिवील कर रहा हूँ, और इसका भी स्केल प्रॉपर्टी ओपन करेंगे और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कंट्रोल वी करके स्केल को पेस्ट कर देता हूँ। बट अब दिक्कत ये होने वाला है कि जैसे ही आप इसका एनिमेशन स्टार्ट करोगे सब कुछ एक साथ ही आ रहा है, तो यहाँ पे मजा नहीं आएगा। नो डाउट हमने उसका स्पेसिंग पहले से डिफरेंस करके रखा हुआ था तो दिख रहा है, बट एनिमेशन में थोड़ा मजा आना चाहिए, मोशन ग्राफिक्स के अंदर थोड़ा मजा आई कैचिंग होना चाहिए, लोगों को अच्छा लगना चाहिए, व्यूअर को अच्छा लगना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि पहला काम जो मेरा रेड वाला टैग मतलब पिंक टैक्स लेयर है हमारा, यहां से मैं चलता हूं एक की फ्रेम आगे जा रहा हूं और इसको क्या कर दूंगा मैं यहां पे ऑलमोस्ट शिफ्ट कर देता हूं इस जगह पे। अब क्या करेंगे, इसकी कीज को सिलेक्ट करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर गाइस। अब यहां पे मैं क्या करने लगा, इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा आगे ले रहा हूं, ज्यादा नहीं बट एक हल्का सा क्या करूंगा मैं पुश करके यहां पे आगे तक लेके जा रहा हूं। तब होगा क्या कि जब ये दोनों क्रिएट हो रहे हैं तो आप देखोगे मैं येलो वाले लेयर को हाइड कर देता हूं अभी के लिए, तो आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, जब बड़े होते जा रहे हैं तो ये इतना डिफरेंस आपके पास जनरेट हो रहा है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सेम चीज क्या करने वाले हम, वापस यहाँ पे जाएंगे और एक फ्रेम में और आगे जा रहा हूं और हमारे जो येलो वाला टेक्स्ट लेयर है उसको भी क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब इसको भी क्या करना है, इसका भी स्केल प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना है, चलना है हमें वापस ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ इसको थोड़ा और एकदम नजदीक लेके जाऊंगा ऑलमोस्ट कुछ यहां तक। ठीक है, तो अब जैसे ही आप बाहर की तरफ आ रहे हो और इसको जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो आप देखो आपका येलो वाला टेक्स्ट भी पीछे की तरफ यहाँ पे मोशन में आने लगा है। तो आपको अलग से एरो के साथ कंबाइन करना इसको या ट्रांसफॉर्म बॉक्स के साथ कनेक्ट करना जरूरी नहीं है, बट एक अच्छा सा अनइवन सा हमारा ट्रांसफॉर्म बॉक्स पॉपअप एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हुआ है और यहाँ पे हमने यूज किया है उसको टेक्स्ट को रिवील करने के लिए। अब सेकेंड एग्जाम्पल जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे, सो बने रहना अभी दो तीन आइडियाज और दो आइडियाज और देने मेरे को गाइज आपको। सो गाइज जैसे भी आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हो यहाँ पे भी मैंने लोगो एनिमेशन किया है, सेम एनिमेशन को यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म बॉक्स पॉपअप एनिमेशन को यूज करते हुए हमने यहाँ पे लोगो रिवील किया है। बस इसके अंदर एक छोटा सा चीज ऐड किया हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये पत्तियां भी एनिमेट हो रही है, दिख रहा है आपको? ठीक है, और साथ में हमने क्या किया है लोगो के साथ साथ हमने यहाँ पे टेक्स्ट को भी एनिमेट किया हुआ है अलग से। तो अगर मैं इसका यहाँ पे आपको लेयर दिखा दूं यहाँ पे प्रीकॉम के अंदर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो मैंने यूज किया है पपेट पिन टूल यूज किया है इन पत्तियों को एनिमेट करने के लिए। और अगर आपको इसका नॉलेज चाहिए तो यहाँ ऊपर एक मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत ही अमेजिंग और मैं ये कह सकता हूँ इस चैनल का हाईएस्ट वॉचिंग एंड हाईएस्ट लाइकिंग ट्यूटोरियल, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाला ट्यूटोरियल है। इसको जाके जरूर देखिएगा, आपके बहुत सारा नॉलेज ग्रो होगा आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर काम करने के लिए, 2D टू 3D एनिमेशन जनरेट करने के लिए बहुत सारी नई चीजें आपको जानने को मिलेगी इस ट्यूटोरियल के अंदर। आपको राइट हैंड साइड अप कॉर्नर में यहाँ पे एक एनिमेशन होते हुए दिख रहा होगा, प्लस वहां पे ऊपर आपको एक आई का बटन दिखेगा, वहां पे जाके क्लिक कीजिएगा तो आपको वो पूरा ट्यूटोरियल बहुत ही यूजफुल रहेगा। पपेट टूल में आपको उसके जानकारी भी मिल जाएगी, तो उसको भी हमने यहाँ पे एनिमेट किया। तो सी द थिंग इज दैट जब भी आप कुछ चीजों थोड़ा थोड़ा एलिमेंट ऐड करते जाओ आपका काम और भी आसान होता हुआ जाएगा। अब चलते हैं तीसरे आइडिया के ऊपर गाइस। सो जैसे भी आप गाइस स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो मैंने यहाँ पे, आप सोशल मीडिया प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना चाहते हो चाहे वो फैशन ब्रांड हो या कोई और भी प्रोडक्ट हो उसके लिए भी आप इसको एनिमेट कर सकते हो। आप देख रहे हो एक इमेज ओपन हो रहा है, उसके बाद मेरा दूसरा इमेज ओपन हो रहा है पॉपअप के साथ, उसके बाद मेरा तीसरा इमेज ओपन हो रहा है, देन वन बाय वन दे आर कमिंग आउट टुवर्ड्स द स्क्रीन, मतलब जैसे कैमरा के नजदीक आ रहे हैं और फिर गायब हो रहे हैं। एंड में हमारे कोई भी मेन प्रोडक्ट जो भी आपका रहेगा उसको आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। इवन आप अपने सोशल मीडिया पर्सनल वीडियोस के लिए, रील्स के लिए, स्टोरीज के लिए, शॉर्ट्स के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो गाइस। सो आई होप इस ट्यूटोरियल में आपको नई चीजें सीखने को मिली होगी, तो लाइक जरूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि नए आने वाले ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स मिलते रहें। प्लस दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी नई नई चीजें सीख पाए गाइस और वो भी अपने आप को ग्रो कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।